19 साल का एक ऐसा लड़का जिसे भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये बातें कारगिल युद्ध की, जब उन्हें युद्ध में टाइगर हिल के सबसे अहम बंकरों पर कब्जा करने का जिम्मा दिया गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी टीम के साथ पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया तो दुश्मनों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां दागनी शुरू कर दी। हमले में उनके कई जवान शहीद हो चुके थे, लेकिन हमले में इतना गोला बारूद बरस रहा था कि उन्हें अपने साथियों को देखने का भी समय नहीं मिला। इस भयानक लड़ाई में उन्होंने खड़ी चढ़ाई से चोटी के ऊपर चढ़ने का फैसला किया और किसी भी तरह से चोटी पर पहुंचकर उन्होंने दुश्मन के कई बंकर तबाह कर दिए। लड़ाई के दौरान वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे, उनका शरीर खून से लथपथ था। जब दुश्मन सेना उनके पास पहुंची तो उन्होंने मरने का नाटक किया और जैसे ही पाकिस्तानी रिलैक्स हुए तो उन्होंने खड़े होकर मशीन गन, हैंड ग्रेनेड जो भी मिला उसे दुश्मनों पर दागते चले गए। इस दौरान उनके सीने में 16 गोलियां धस चुकी थी, लेकिन मशीन गन चलाते चलाते ही उनका पैर फिसला और वो चोटी से नीचे आ गिरे। नीचे आकर उन्होंने पाकिस्तानी सेना की संख्या, लोकेशन जैसी अहम जानकारियां दी, जिसके चलते भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर अपना तिरंगा लहरा दिया। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मे सूबेदार योगेंद्र सिंह की।